फाइव रूल्स फॉर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स, या फिर आप कह सकते हैं इसको यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं पांच ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिसके साथ में आप एसईओ फ्रेंडली रूल जो यूआरएल है वो क्रिएट कर सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप जो है पैसिव इनकम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर जल्दी से क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हर संडे को हम जो है आपको पैसिव इनकम के कैसे जनरेट कर सकते हैं उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ में कि व्हाट आर दी फाइव रूल्स टू क्रिएट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, विच इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और हम इसको जो है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। तो पहला रूल क्या होता है कि जो भी आपने जो लास्ट वीडियो में हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो किया था जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए आपको कीवर्ड्स रिसर्च सिखाया था, वैसे आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है और उसमें जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसके बेसिस के ऊपर में आपका यूआरएल जो है वो डिसाइड करना, दैट इज दी फर्स्ट रूल। पहला रूल क्या है, इंक्लूड दी प्राइमरी कीवर्ड, जो रिसर्च करके प्राइमरी कीवर्ड आपने आइडेंटिफाई करा है उसको आपने इंक्लूड करना है, ये पहला रूल। सेकंड रूल बोलता है इट शुड कंटेन हाइफन, हाइफन बोलते हैं जो सेंटर में आता है, बिकॉज कभी भी यूआरएल के बीच में स्पेस नहीं आता है, तो स्पेस की जगह पे हम लोग यहां पे हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट यूज दी अंडरस्कोर, तो कई जगह पे हम देखते हैं अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जाता है, वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल क्या बोलता है, इट शुड बी शॉर्ट, आपका जो यूआरएल का जो नाम है, डेफिनेटली वी कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट द डोमेन। ये जो मैं रूल्स बता रहा हूं ये सारे रूल्स पांच के पांच आपके एप्लीकेबल होंगे स्लग के ऊपर में। अब स्लग क्या होता है तो डेफिनेटली अभी जब मैं कंप्यूटर पे आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और यहां पर मैं अपने ही प्रोजेक्ट को रियल जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं उसके बारे में मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं कि कैसे हम चीजों को चेंज कर रहे हैं, एसईओ फ्रेंडली किस तरह से बना रहे हैं। सो इट शुड बी शॉर्ट, यानी कि वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। चौथा यहां पे जो रूल है, लोअर केस, राइट, लोअर केस ओनली। जो आपका यूआरएल बना रहे हो यानी कि जो स्लग बना रहे हो उसके अंदर कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें टू अवॉइड using, like कई बार होता है ना कि say for example digital marketing course in जोधपुर, अब ये जो इन वर्ड लगा दिया वो एक गलत है। कई जगह पे हम ए लगा देते हैं, कई जगह पे दी लगा देते हैं, कहीं जगह पे हम एन लगा देते हैं, कहीं कैन लगा देते हैं, तो दीज आर रॉन्ग प्रैक्टिस। तो कभी भी आपने अपने यूआरएल के अंदर जो है ये सब चीजें जो है इस्तेमाल नहीं करनी है। सिंपली अगर मैं एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर, तो अब मैं इसकी जगह पे स्लग क्या बनाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जोधपुर, राइट। ये आपका शॉर्ट भी हो जाएगा एंड हमारा प्राइमरी कीवर्ड के अकॉर्डिंग डिफाइन भी किया जा सकता है। तो ये जो है आपका स्लग बनाने का एक ऑप्टिमाइज यूआरएल को करने का राइट वे है। अभी इसको जो है जो रूल्स हमने पढ़े हैं पांच, इन पांच रूल्स का इस्तेमाल करके मैं अपने रियल प्रोजेक्ट के लिए पहला जो कि वो आपका यूआरएल डिफाइंड है ऑलरेडी वो कितना गलत है और अब हम सही उसको कैसे करेंगे क्या रहेगा, तो डेफिनेटली ये चीज मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यू कैन सी यहां पे हमारी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें जो है अभी क्या यूआरएल्स हैं और अब नए यूआरएल्स जो हैं वो कैसे बनेंगे उसको जरा कवरअप करते हैं। तो मैं यहाँ पे आईटी कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ। आई नो कि ये पुरानी वेबसाइट बड़ी अजीब सी दिख रही है, अब जो नई वेबसाइट हमारी बन रही है वो काफ़ी अमेजिंग बनने वाली है, राइट। सो यू कैन सी यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे कर दिया से फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क इंफ्रा का जो है मैंने ओपन करा, तो ये मेरा ओपन करा तो ये मेरा यूआरएल बना है अभी के लिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और जो हमने पांच रूल समझे हैं उसको एप्लीकेबल करेंगे। तो मैं यहाँ पे नोटपैड पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल करंट यूआरएल। तो करंट यूआरएल क्या है तो ये डाल दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अपन सो दैट कि हम सारी चीजें देख पाएं। और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू या फिर लिख सकते हैं हम सजेस्टेड यूआरएल या फिर हम लिख सकते हैं एसईओ
फ्रेंडली यू आर एल या वॉट एवर यू नेम इट, लाइक मैं यहाँ पे न्यू यू आर एल कर देता हूँ, न्यू यू आर एल। और अभी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, तो डेफिनेटली हम डोमेन नेम के साथ में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। डोमेन नेम आपका एक ब्रांड है, उसके साथ में कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। जो भी आप चेंजेस कर सकते हो, जो भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, वो सारा का सारा आपका स्लग के ऊपर में किया जा सकता है। इसको बोलते हैं स्लग, तो स्लग पे कर सकते हैं। तो नया यूआरएल जो है वो हमारा रहेगा यहाँ पे लाइक कोर्सेज, राइट, कोर्सेज के बाद में फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि ये सारे कोर्सेज हैं, आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब कि ये कोर्सेज हैं, राइट। तो कोर्सेज लिख दिया, अब मेरे पास है सी सी एन ए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल सी सी एन ए डैश 200-301, ये मेरा नया यूआरएल जो है वो बनेगा। अब इसमें मेरे हमारे पास में जो बेसिकली तीन तरीके यूआरएल्स बनने हैं, एक होगा आपका सेल्फ स्टडी यानी कि वीडियो कोर्स, दूसरा होगा ऑनलाइन लाइव के लिए, और तीसरा होगा आपका वी कॉल इट एज ऑफलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे एक और टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम यहाँ पे कर सकते हैं से फॉर एग्जाम्पल लाइक सेल्फ स्टडी, और अगर ऑनलाइन लाइव है तो यहाँ पे हम ऑनलाइन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपका ऑफलाइन है तो वी कैन यूज दी ऑफलाइन, राइट। इस तरीके से जो है हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, तो आप अगर मान लीजिए आपका एक सिंगल है, राइट, इतना अभी हमारे पास तो मल्टीपल एक ही कोर्स के मल्टीपल यूआरएल्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उसको यूआरएल फ्रेंडली भी रखना चाहता हूं और चीजें जो है सिस्टमैटिक सारी रखना चाहता हूं। तो उसके लिए अगर आपके पास सिंगल है तो आप ऐसा ना करके आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, राइट। अब यहां पे सीसीएन ने भी आ गया, एंड कोड डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक सर्टिफिकेशन कोड है, तो जिसमें एग्जाम कोड है बेसिकली। तो हमारे पास में जब सिलेबस चेंज होता है तो हम जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कोड को चेंज करेंगे, लेकिन अगर कोई पुराना स्टूडेंट है और उसको जो है पुराना वाला देखना है तो यहां पर वो पुराने वाले पे भी एनरोल कर सकता है, और किसी को लेटेस्ट करना है तो हम उसके लिए यहां पे कोड चेंज करके, यू कैन सी सीसीएन ने कभी चेंज नहीं होगा, बट यहां पे कोड जो है वो चेंज होकर नया आ जाएगा। तो ये हमारे लिए एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, जो कि एक बार अगर आपने परफेक्ट सेट कर दी तो डेफिनेटली ये बहुत अमेजिंग जो है आपके लिए काम करेगी। तो ये कुछ आपके यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन है, तो यू कैन सी ये नया वाला अगर मेरे पास एक सिंगल हो तो मैं ये डाल सकता हूं, विच इज वेरी मच आप कह सकते हैं एसईओ फ्रेंडली, बिकॉज इसका आप देखते हैं यहां पे जो स्लग है बहुत ही शॉर्ट है, और जनरली हम लोग जो है सर्च भी इसी तरीके से करते हैं लाइक सीसीएनए 200-301, राइट। तो करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो है यहां पे प्रायोरिटी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो है मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि किस तरीके से ये जो चेंजेस हैं वो हो सकते हैं, और आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर आप अगर हमारी वेबसाइट पे दोबारा विजिट करेंगे tjmarkat.com पे, तो आपको ये जो मैंने यहाँ पे यूआरएल नए बना के दिखाए हैं इसी तरह के यूआरएल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन जो है वो किस तरीके से कितना अच्छा लगा है वो आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से करना है वो समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, नए टाइटल के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।